पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ओवैसी को जिन्ना का बेटा कहकर संबोधित किया। दरअसल जमाल सिद्दीकी आज मुरादाबाद के दस्तकार पद्मश्री दिलशाद हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। कल ओवैसी ने अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर दिए गए बयान में कहा कि ये सरकार मजहब के नाम पर एनकाउंटर करने में लगी है, जिस पर आज जमाल सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे, वो तो हर मामले में हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तब वो कहां थे? तब तो किसी ने नहीं कहा कि एक हिंदू मारा गया। संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत के सपोर्टर हैं कि पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अफसोस है कि अभी एक माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ये सिर्फ गुंडा था, इसका लाश भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद भी अगर उनके जबान पे ताले लगते हैं और हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले भी विकास दुबे की जब इनकाउंटर हुई तब कहाँ थे? तब तो किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। अभी अभी राणा का इनकाउंटर हुआ तब कहाँ थे? तब किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। जो अपराधी है वो अपराधी होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी का रिश्तेदार होता है, ना वो किसी धर्म का होता है। ये धर्म की राजनीति कर कर जहर घोलने का काम जो अवश्य कर रहे, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं मुसलमान के हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग इसकी निंदा करें, क्योंकि ये मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे और हमारे बीच में जहर घोलने का काम कर रहे। अब अखिलेश जी के तो महिमा अपरंपार है। अखिलेश जी को जब चुनाव की बात होती है, जब वोट चाहिए तो मुसलमान याद आता है, जब कोई पद दिलाना होता है, जब कोई प्रतिष्ठा दिलानी होती है तो यादव याद आते हैं। और मैं तो यादव नहीं, उनका परिवार याद आता है। वो तो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि अब बहुत हो चुका है। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि बिना वोट की राजनीति किए हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो हमारा काम कर रहे, आप चाहे किसी भी योजनाओं की बात कर ले, आज ये जो विधवा विलाप करने वाले लोग हैं कहीं एक बार भी नहीं बोल पाए होंगे कि किसी मुस्लिम को किसी योजनाओं में पीछे रखा गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, चाहे हर नल में जल की बात हो, किसी भी योजना में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि अभी जो चुनाव हुए यहाँ पर 2022 में, किस प्रकार से मुस्लिम भाइयों ने अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है, ये देखकर अब विपक्ष बहुत परेशान है। उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर से वही हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब ये राजनीति चलने वाली नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।